तो चलो भाई यहाँ चलते हैं और यहाँ पता करते हैं कि हमें ड्राई फ्रूट्स क्या क्या भाव में देखने को मिलते हैं। नजदीक है दिवाली का त्यौहार, बहुत नजदीक है, हमारे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का दिवाली पे लेन देन काफी चलता है। यहाँ पे छुआरे देखने मिल रहे हैं, गोलागिरी, मखाने, किशमिश और काजू, बादाम, सभी तरह की यहाँ पे रुपए किलो के अंदर पड़ेगा, यानी 60 रुपए का 100 ग्राम जी, लगभग 100 ग्राम भी पड़ा। साथ साथ मसाले भी रखते हैं, सारे मसाले मिल जाते हैं, शादी पार्टी वगैरह का बिल्कुल फ्रेश जीरा होगा, बिल्कुल भी डस्ट नहीं होगा। देखो दाने, देखो चावल के तरह होंगे, बिल्कुल आपको साबुत हल्दी मिलने वाला अपने पास, साबुत हल्दी बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी। तो भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ भैया हमें देखने मिली दालें, काफी सारी दालें हमें यहाँ पे देखने मिली, ठीक है, चने वाली दाल है, मूंग की दाल है, राजमा है, चावल भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राजमा मिल जाएगी, पता करते हैं पे किलो ये चावल चाबी है, डबल चाबी चाबी मिल जाए। तो चलो भाई यहाँ चलते हैं और यहाँ भैया मुझे काफी ड्राई फ्रूट देखने मिले, सभी वैरायटी देखने मिली, पता करते हैं भैया जी ये कागजी फ्रूट क्या भाव पड़ेगा लगभग। तो भाई हमें यहाँ पर देखने मिले मकरोनी, पास्ता और इस तरह के, भैया क्या बोलते हैं, तो भाव की मिलती है, मैगी मिल जाएगी और इसको क्या बोलते हैं माता जी इसको। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण व्लॉग पे, मैं आपका दोस्त आपका भाई अरुण वशिष्ठ आज आपको एक बार दोबारा लेके आ गया सदर बाजार पीली कोठी, इसको पुल मिठाई भी बोला जाता है। जैसे कि त्यौहार बहुत नजदीक है, दिवाली का त्यौहार बहुत नजदीक है, हमारे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का दिवाली पे लेन देन काफी चलता है, तो इस मार्केट में हमें ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं काफी सस्ते रेटों पे, होलसेल और रिटेल दोनों के अंदर। देखते हैं आज क्या भाव चल रहा है ड्राई फ्रूट्स का, कौन कौन सी क्वालिटी मिलती है, क्या क्या प्राइस मिलता है, सब कुछ कवर करेंगे अपनी इस वीडियो पे, बस आप वीडियो पे बने रहना। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन आपको 30 हजारी पड़ेगा, वहां से आप ई रिक्शा लेके यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलो अपनी वीडियो शुरुआत करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो भाई यहाँ चलते हैं और यहाँ पता करते हैं कि हमें ड्राई फ्रूट्स क्या क्या भाव में देखने को मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, मुझे यहाँ पे छुआरे देखने को मिल रहे हैं, गोलागिरी, मखाने, किशमिश और काजू, बादाम, सभी तरह के यहाँ पे मुझे ड्राई फ्रूट्स देखने को मिल रहे हैं। तो पता करते हैं ये क्या क्या भाव के हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे दिवाली बहुत नज़दीक है और दिवाली पर हमारे यहाँ लेन देन चलता रहता है ड्राई फ्रूट्स का। तो भैया जी कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। तो भैया जी पहले माइक लगा लें ताकि आपकी आवाज़ हम तक साफ आ सके, ठीक है। तो दिवाली की क्या तैयारी कर रखी है आपने? बस भैया पूरी तैयारी दिवाली की है, पूरा माल आया हुआ है दिवाली के लिए, बहुत बहुत तरीका का, हर हर तरीका का वाला माल दे देते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। चलो पता करते हैं भाव क्या क्या। भैया जी आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है सबसे कम बादाम का? सबसे कम बादाम अपने पास 500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 500 रुपए से? कौन सा 500 वाला, कौन सा? 500 में सर नॉर्मल बादाम आता है, जैसे घर में खाने वाने के लिए, बर्फी वर्फी लड्डू वड्डू में डालने के लिए। अच्छा, लड्डू वड्डू में डालने के लिए बादाम, हल्का सिल्का उनका उतरा हुआ होता है, बाकी खाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मीठा बादाम होता है, ऑयल भी ज्यादा होता है। अच्छा, ऑयल भी ज्यादा होता है और मीठा होता है बादाम, ऑयल बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं ऑयल नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, ऑयल बिल्कुल होगा। तो कोई तो आपको सबको पेपर में निकाल के दिखाएगा, मैं आपको हाथ में निकाल के। बहुत 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 बढ़िया। तो इस तरह का आपको ऑयल भी निकल जाएगा जी, ठीक है। 500 रुपए बताया ना आपने। हाँ, तो बाकी अपने पास 500 है, इससे ऊपर भैया जी उससे वो कौन सा रहेगा? उससे ऊपर ये आ जाएगा, आपने को मैंने अभी 500 वाला दिखा, ये 600 वाला है, ये मात्र 600 रुपए किलो के अंदर पड़ेगा, यानी 60 रुपए का 100 ग्राम जी, लगभग 100 ग्राम भी लेते हो, हमारे पास 100 ग्राम भी मिल जाता है, 60 रुपए का भी मिल जाएगा आपको। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप 5 किलो लोगे तो ही देंगे आपको, 1 किलो, 2 किलो, आधी किलो, 250 ग्राम, 100 ग्राम भी लिए, रिटेल एंड होलसेल दोनों है, दोनों ही मिल जाएगा। तो चलो आपको सेम होलसेल प्राइस में रिटेल मिलने वाला है, बहुत बढ़िया। इससे ऊपर का जाए तो भैया जी, इससे ऊपर आपका आ जाता है 650 रुपए किलो, 650 रुपए किलो के जी, बहुत ही बढ़िया। ये देखें, ये है मामरा बादाम, सॉरी अमेरिकन बादाम है, ये अमेरिकन बादाम है। इसका भी बस प्रॉब्लम क्या है, बस ये छिलकेगा, छिलागे छिल, बाकी छिल आप कहीं पे भी अमेरिकन बादाम लेते हो ना तो 800-900 रुपए किलो है। ये बस हल्का छिलका में जो निशान पड़ा हुआ है, इस वजह से आपको इतना कम रेट में मिल रहा है, बाकी खाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, मीठा बिल्कुल होगा, ऑयल भी बिल्कुल होगा इसमें, ऐसा नहीं है कि कम रेट में देने तो ऑयल नहीं होगा, बिल्कुल ऑयल होगा बिल्कुल। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। और देखते हैं अगर इससे अच्छा, अब आ जाते हैं जैसे दिवाली चल रहा है तो अब चाहिए होता है थोड़ा फ्रेश माल, ताकि दिखने में लाइटिंग आए, लेन देन में काफी चलता है ना, लाइटिंग के लिए अपने पास आ गया है माल, एक दो क्वालिटी के माल है, मार्केट में लेते हो 800-900 रुपए किलो, अपने पास ये भी 650 रुपए किलो, आप लाइट देख सकते हो कितना है इसमें, 650 रुपए किलो हिसाब से जी। वाह भाई वाह, ये 650 रुपए का जो कि लेन देन में काफी काम आएगा। एक और आएगा इसमें मार्केट में लोग 1000 रुपए किलो, हाँ 1000 रुपए किलो आएगा, ये साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा और लाइटनिंग ज्यादा आ जाएगी, ये आपको मिल जाएंगे 700 रुपए किलो, ये मिलेगा आपको 700 रुपए। वैसे मार्केट में ले तो 1000-900 रुपए का रेट है, अपने पास 700 रुपए किलो ये वाला बादाम आपको मिल जाएंगे, जैसे गिफ्ट भी डब्बा पैकिंग होता है ना दिवाली आने वाला सीजन, तो उनके लिए है ये। चलो भाई बहुत बढ़िया। और इससे ऊपर जाए तो भैया जी, इससे ऊपर भी फिलहाल कोई बादाम है नहीं,
और एक मान लो काजू जो है काजू भी अपने पास 500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। ये 500 रुपए किलो है, जैसे कि नॉर्मल ग्रेवी वगैरह लड्डू वगैरह बर्फी वगैरह बनता है ना, उसके लिए ये 500 रुपए किलो यानी 50 रुपए का। हाँ पड़ेगा, ये देखिए थोड़ा टूटा फूटा भी होगा, ये थोड़ा टूटा फूटा भी हो सकता है, बिल्कुल साबुत नहीं होगा, 500 रुपए किलो है। उसके बाद ये लेते हो पका हुआ काजू आता है, ये पेड़ में जो पक जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा कलर देखिए इसका डार्क होगा, लाल कलर होगा। हाँ जी, हाँ जी, खाने में मीठा है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। भाव पड़ेगा ये 600 रुपए किलो पड़ेगा आपको। 600 रुपए किलो के हिसाब से पड़ेगा, ठीक है। चलो और देखते हैं और क्या दिखा रहे हैं भैया। फिर आ जाता है फ्रेश काजू आपका 750 रुपए किलो। ये कौन सा काजू, नाम क्या रहेगा इसका? ये भैया W320 है। W320 क्या भाव पड़ेगा? ये 750 रुपए किलो पड़ेगा, 750 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है। और भैया इसके अलावा कोई दूसरा इससे अच्छी क्वालिटी का? ये आ जाएगा आपका, क्या भाव पड़ेगा ये? 800 रुपए किलो आएगा ये, 800 रुपए किलो। क्या नाम है भैया इसका? इसका W240 है। ये 240 है? हाँ, W240 है, जो कि 800 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ मिल जाएगा। चलो इससे अच्छी क्वालिटी का भैया जी, बिल्कुल फ्रेश में काजू आता है आपका 950 रुपए किलो। 950? हाँ, बिल्कुल व्हाइट रहेगा, बिल्कुल व्हाइट लेने देने में जो काम आता है। ये SHW240 है। अरे वाह, कलर देख सकते हैं इसका, लाइटिंग देख सकते हैं कितना वाइट है, बिल्कुल जैसे डब्बे में पैकिंग करने के लिए थोड़ा ही क्वांटिटी चाहिए होता है तो अच्छा डालने के लिए ये होता है। जैसे सगाई वगाई में भी देते हैं, उनके लिए भी, शादी में, रिश्ते में, लेन देन के लिए। ये मार्केट में अभी काजू का रेट एक्चुअली दिवाली को लेकर थोड़ा बढ़ा हुआ है, हाँ, इसलिए तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ये नहीं कि फेक बोल के ये रेट बोल दूँ फिर आप यहाँ आओ परेशान हो इतना दूर से। बिल्कुल नहीं, तो वो काम अपने पास, किसमें अपने पास आपको 200 रुपए किलो मिल जाता है ये वाला, हाँ ये आपको 220 मिल जाता है, ये 240 वैसे बेचने का रेट है, बाकी कोई वीडियो देख के आता है तो मैं इसको 220 में ये वाला भी दे दूंगा। अच्छा, नाम ना बता दो, ये कौन सी किशमिश है? ये आपका नासिक वाला किशमिश है, हाँ ये भी नासिक वाला, ये गंधारी होता है, ये गंधारी है। चलो बहुत बढ़िया। और ये छुआरे जो है, छुआरे के हिसाब से पड़ेंगे? छुआरे अपने पास ये वाला मिल जाएंगे 140 रुपए किलो, 140 रुपए किलो ये वाला मिल जाएंगे, 180 रुपए किलो, साइज देख सकते हैं छुआरे का, ये मिल जाएंगे आपको 200 रुपए किलो, 200। और ये शादी ब्याह निकाह काम में जो बांटते हैं ना छुआरा, वो वाला, इसको गुल्ला छुआरा बोलते हैं, ये आपको मिल जाएंगे 280 रुपए किलो मात्र, 280 रुपए किलो। चलो और देखते हैं, ये पिस्ता भैया जी, पिस्ता क्या रेट पड़ेगा? पिस्ता अपने पास मिल जाएंगे आपको 1050। मार्केट में वीडियो बनवाते हो तो कोई 900-1000 बोल देता है, लेकिन वो आपको देगा नहीं, हम देंगे आपको 1050 लगेगा। कितना बताएं? 1050। हाँ, ईरानी पिस्ता, सबका फेस देखो पिंक है इसमें, राइट। और टेस्ट भी बहुत बेहतरीन होगा। एक अमेरिकन भी आता है ना इसके अंदर? नहीं, अमेरिकन नहीं आता, ईरानी आता है, ईरानी आता है, हाँ, और एक अफगानी आता है, दो पिस्ता आता है। चलो और देखते हैं, और अपने पास खजूर मिल जाएंगे आपको, खजूर, हाँ, बादाम ये वाला आपने देख लिया 700 रुपए किलो आपको मोटा बादाम, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश बादाम। और खजूर, खजूर अपने पास 6-7 क्वालिटी के मिल जाएंगे, अपने पास खजूर स्टार्ट हो जाता है 200 रुपए किलो से। ये वाला लेते हो आपको ये 200 रुपए किलो मिल जाता है, 200 रुपए किलो के हिसाब से आपको खजूर ज्यादा मिलेगा, ये वाला 200 मिल जाएगा। उसके बाद ये लेते हो, ये कलमी खजूर है, ये आपको 400 रुपए किलो मिल जाएगा। कौन सा खजूर है? कलमी खजूर, जिम वाले बंदे सेक में डाल के पीते है ना, अच्छा अच्छा, उनके लिए ये। चलो ठीक है, और इससे भी बढ़िया में खजूर चाहिए तो ये मिल जाएगा आपको, ईरानी खजूर, ये खजूर मस्त है यार, उससे भी मस्त ये वाला, अच्छा, ये ईरानी खजूर है, ये 600 रुपए किलो मिलेगा, ये इसको ड्राई फ्रूट्स खजूर भी बोलते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपको 600 रुपए किलो मिल जाएगा। बादाम की, ये अखरोट की क्या रेट? अखरोट गिरी अपने पास 500 रुपए किलो से स्टार्ट हो जाता है। ये वाला अगर लेते हैं आप, हाँ जी, देखिए देखने में काला है, खाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑयल भी अच्छा होगा इसमें, बस ये है कि ये थोड़ा काला हो गया, ये आपको मिल जाएंगे 500 रुपए किलो, ऑयल देखिए। अरे वाह भाई वाह, ऑयल वास्ते में बहुत मस्त है, हाँ ठीक है। उसके बाद थोड़ा बढ़िया लेते हैं इससे, हाँ जी, तो ये बिल्कुल फ्रेश वाला देख सकते हैं, हाँ जी, ये 800 रुपए किलो पड़ जाएगा आपको, 800 रुपए किलो। ये वाला लेते हैं, ये 1000 रुपए किलो पड़ जाएगा, 1000 रुपए किलो, हाँ। इससे भी बढ़िया लेते हैं, इससे भी बढ़िया अपने पास मिल जाएगा आपको ये वाला है, हाँ, ये आपको मिल जाएगा 1200 रुपए किलो। मैं ऐसे भर के दिखा देता हूँ, वहाँ लाइटिंग नहीं आ रही है, 1200 रुपए किलो के हिसाब से आप ये देखिए। क्या नाम पड़ता है भैया जिसका? ये है ये अमेरिकन अखरोट गिरी है, ये अमेरिकन अखरोट गिरी है, ये बिल्कुल व्हाइट होता है, मतलब ये जी कागजी अखरोट होता है जो ऐसे हाथ में रखने, हाँ, वो भी सर अपने पास, वो क्या भाव पड़ता है लगभग? ये 550 रुपए किलो पड़ेगा आपको, 550 रुपए। ये देखो, ये बस इसको यूं करना है, यूं हल्का दबाना, वाह जी वाह, एक ही बार में हो गया काम। गिरी देखिए, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, गिरी भी बिल्कुल वाइट होगा, ये मूंगफली के तो टूट जाता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता इसमें, ये देखो, ये देखिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल वाइट गिरी होगा, और ऑयल कंटेंट भी अच्छा होता है इसका, अखरोट में ही ड्राई फ्रूट में सबसे ज्यादा ऑयल पाया जाता है, ये देखिए, ये देखो बहुत बढ़िया, तो इस तरह का ऑयल कंटेंट भी है, ठीक है। और
भैया ने बताया कितना, 550 रुपए किलो है एक्चुअली। इसका भी रेट थोड़ा बढ़ा हुआ है इसी वजह से, पहले वीडियो में हमारी है 450-500 का रेट, अभी बढ़ा हुआ तो मैं बढ़ा के बता रहा हूँ, जैसे रेट घटता है तो घटा के बताता हूँ, तो बढ़ता है बढ़ा के। मसाले भी रखते हैं, सारे मसाले मिल जाते हैं, शादी पार्टी वगैरह का भी मसाला आपको मिल जाता है अपने पास। चलो थोड़ा इसका मसाला का भी पता कर लेते हैं। मसाला सबसे पहले बात कर रहे थे जीरा का, जीरा अपने पास 300 रुपए किलो मिल जाता है, 300 रुपए बिल्कुल फ्रेश जीरा होगा, बिल्कुल भी डस्ट नहीं होगा। देखो दाने, देखो चावल के तरह होंगे, बिल्कुल 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 चावल के तरह। काली मिर्च आपको मिल जाएंगे 700 रुपए किलो, बिल्कुल प्रॉपर 12 नंबर काली मिर्च होता है, शादी पार्टी में जो यूज होता है ना वो काली मिर्च है। एक चबाओगे, हमने मखाने नहीं बता दिए, मखाने सर अभी बहुत ऊंचा हुआ पड़ा, मखाने का रेट कम से कम अभी आपको 1200 रुपए किलो मिलने वाला है। हाँ, और ये जो गोला आपको 160 रुपए किलो मिलने वाला, गोला का भी रेट बढ़ा हुआ है, त्योहार आने वाला है। हाँ, भैया दूज का इस तो गोला अभी आप और बढ़ भी सकता है, अभी 160 रुपए किलो है, बढ़ सकता है भाई। हाँ, ये बात ध्यान रखना। हाँ, कि बढ़ सकता है, त्योहार जैसे नजदीक आएंगे वैसे इनके प्राइस बढ़ते रहेंगे। ये आपने काली मिर्च बताई थी कितनी, 700 रुपए किलो, 700 रुपए जीरा 300 रुपए किलो, धनिया 100 रुपए किलो। ये एक बार साबुत हल्दी दिखा देंगे, साबुत हल्दी दिखाएंगे, बिल्कुल साबुत हल्दी क्या प्राइस हमें यहाँ पे मिलने वाला है, 180 रुपए किलो आपको साबुत हल्दी मिलने वाला अपने पास, साबुत हल्दी बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी, 180 ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या हमें यहाँ पर मिलता है, बाकी सीड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे अपने पास, मुनक्के मिल जाएंगे 500 रुपए किलो, काबुल वाले मुनक्के। अच्छा, अच्छा। दाने देख सकते हो और अंदर बीज होगा, वो बहुत बंदे बोलते हैं भाई किस में मुनक्के में क्या फर्क है, भाई ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। और कभी भी मुनक्का ले तो ऐसा मुनक्का ले जिसके अंदर 3 से 4 बीज जरूर हो, जरूर, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है मुनक्का खाने का, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो बीज जो है ये अलसी के बीज, ये जितने ये पंपकिन सीड्स है, ये सनफ्लावर है, ये वाटर मेलन सीड्स है। जी सर, क्या क्या हिसाब से ये आपको 180 का 250 ग्राम मिलता है, ये आपको मिलेगा 120 का 250 ग्राम, वो आपको 250 ग्राम मिलेगा, ये 300 250 ग्राम मिलेगा। अच्छा, बाकी बंदे आते बोलते भैया ऑनलाइन हमें ये मिल रहा है इतने रुपए सस्ता, इतने सस्ता, तो भाई ये क्वालिटी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल ग्रीन है, वो जो ऑनलाइन में होता है जो पड़े पड़े यहाँ पे काला हो जाता है, चले जाता है यहाँ से ऑनलाइन में। अच्छा अच्छा, वो मिलता है कम रेट में। ये बड़ी इलायची सर, ये आपको 240 रुपए का 100 ग्राम पड़ेगा। छोटी इलायची भैया जी, छोटी इलायची आपको पड़ जाएंगे 300 रुपए का 100 ग्राम, लॉन्ग आपको 100 रुपए का 100 ग्राम सर जी। और ये जो जावित्री है सर, ये क्या रेट पड़ेगा, जावित्री आपको 220 रुपए का आपको पड़ जाएंगे 100 ग्राम। और ये स्टारफुल 120 का 100 ग्राम। और ये दालचीनी, दालचीनी 60 का 100 ग्राम, 60 का 100 ग्राम जी। तो इस तरह की भैया भैया के पास वैरायटी है, रोशन भैया का नाम है ठीक है, और भैया बैठे फुल मिठाई पे, ये अविंद का भाई का चौक है ठीक है। बिल्कुल जब आप आएंगे तो किसी भी रोशन ड्राई फ्रूट पूछ सकते हैं, मैं बाकी दिखा देता हूँ, बोर्ड दिखाता हूँ इनका ठीक है, आप ये देखें रोशन ड्राई फ्रूट्स के नाम से ठीक है इस तरह का। तो भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ भैया हमें देखने मिली दालें, काफ़ी सारी दालें हमें यहाँ पे देखने मिली ठीक है, चने वाली दाल है, मूंग की दाल है, राजमा है, चावल भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राजमा मिल जाएगी। पता करते हैं ये क्या क्या भाव की हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। भैया जी माइक लगा दूँ ताकि आपकी आपकी अलाव में लगा देता हूँ ताकि आपकी आवाज़ हम तक साफ पहुँच सके। तो भैया जी आपके यहाँ जो चने की दाल है जी सर, वो क्या भाव पड़ेगी चने की दाल, सिर्फ दुकान में लोगे आप 100 रुपए 120 मिलेगा, आप सिर्फ 90 रुपए मिले चने की दाल, 90 रुपए किलो के हिसाब से आपको चने की दाल मिल जाएगी। चना क्या रेट पड़ेगा भाई जी, चना सर 80 रुपए किलो, चना 80 रुपए किलो पड़ेगा ठीक है। और ये भैया जी, ये 100 रुपए देसी चना, देसी चना 100 रुपए, और ये वाला 80 रुपए, और चने की दाल 90 रुपए ठीक है। और इसके बाद चलते हैं भाई जी, जैसे ये कौन सी दाल है, मसूर दाल है सर, मसूर दाल है, मसूर है 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, साबुत मसूर भी 80 रुपए किलो, साबुत मसूर भी 80 रुपए किलो, ये ब्लैक मसूर 70 रुपए किलो, ब्लैक मसूर 70 रुपए किलो। चने की हमने पता कर ली, ये मटर दाल भैया जी, जी 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो मटर दाल मिलेगी हमें ठीक है। और भैया जी ये अरहर की दाल है सर, अरहर की दाल है, एक नंबर पटका दाल अरहर का है, क्या 120 रुपए किलो, ये क्या भाव मिलेगा, 120 रुपए, 120 रुपए। और ये हड़की भैया जी, ये 130 रुपए देसी, ये 130 रुपए देसी है जी। भैया जी ये कौन सी, ये भी देसी दाल है सर, 130 रुपए, 130 रुपए, ये भी देसी दाल है भैया जी, बिना पॉलिश के ना ये, हाँ जी हाँ जी बिना पॉलिश। और भैया जी ये कौन सी है, ये भी देसी दाल है, ये सब देसी दाल है, क्वालिटी अलग अलग हरर का है, क्वालिटी अलग अलग, ये पॉलिश वाला, ये पॉलिश वाला, ये क्या पड़ेगा, 120 रुपए, 120 रुपए। भैया जी ये क्या भाव पड़ेगी, ये 140 रुपए, 140 रुपए। और ये भैया जी ये क्या चीज है, ये सेमिया है, सेमिया क्या रेट पड़ेगा, 50 रुपए किलो सर, 50 रुपए किलो। ये कौन सी दाल है, ये उड़द धुली है, दुकान में लोगे 150-160 मिलेगा या सिर्फ 140 रुपए, 140 रुपए मिलेगा उड़द धुली। और ये मिक्स दाल भैया जी, मिक्स दाल 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। और ये जो छिलका उड़द छिलका, 120 रुपए किलो, 120। और ये साबुत, साबुत 100 रुपए किलो, 100 रुपए। लोबिया, लोबिया 100 रुपए किलो। और ये कौन सी भैया जी, ये लाल लोबिया है, लाल लोबिया का रेट पड़ेगा 100 रुपए, 100 रुपए। चलो इधर चलते हैं, मूंग धुली हमने पता की, मूंग धुली क्या पड़ेगी, ये मूंग धुली 120 रुपए, 100 रुपए। ये छिलका 120 रुपए किलो, मूंग साबुत, मूंग साबुत 100 रुपए किलो, 100 रुपए। और भैया जी ये क्या है, ये मटर है सर, 60 रुपए किलो, मटर 60 रुपए।
और ये राजमा क्या रेट पड़ी भाई जी? राजमा 100 रुपए 120 रुपए 100 रुपए। बाकी चित्रा राजमा फेमस राजमा 120 रुपए किलो, ये भी 120 रुपए। बहुत बढ़िया। और सफेद छोले भैया जी? सफेद छोले 120 रुपए किलो, 140 रुपए किलो बड़ा। और ये वाला भैया जी? 130 रुपए किलो। ये डबल चावी चावल दुकान में आप लोग 120 रुपए, हमारे पास मात्र 90 रुपए किलो। ये डबल चावी है, डबल चावी चाबी मिल जाएगा हमें दुकान में लोग 120 रुपए। क्या भाव मिलेगा आप? ये यार 90 रुपए, सिर्फ 90 रुपए। और ये वाला भैया जी? ये भी 90 रुपए सर, ये बासमती है। और ये भैया जी? ये 60 रुपए सर। ये 60 रुपए 11-21। और भैया जी ये जो राजमा है, ये सर 150 रुपए किलो है, लेकिन 140 रुपए लगेगा। क्या क्या फर्क है हमारे? ये चित्रा राजमा है, चित्रा राजमा है। और जैसे सफेद छोले 120 रुपए किलो, 120 रुपए। ये वाला? ये 100 रुपए किलो, 100 रुपए। ये भैया जी? 140। तो भैया इस तरह की आइटम बेच रहे हैं भैया, ठीक है? काफी सारी दालें रखते हैं, ठीक है? आपको रिटेल और होलसेल दोनों मिल जाती है। भैया जी नाम क्या रहेगा आपका? मेरा नाम गुंजन पासवान, ये इनका एड्रेस है। आप आ सकते हैं और अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से एक अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। और भैया का जो है ना, बिल्कुल अमित का भाई लोडी चौक के बिल्कुल सामने है। ये रे भैया देखो, ठीक है? अमित का भाई जो है घोड़े बैठे हैं, बिल्कुल उनके सामने ही बैठे हैं, ठीक है? इनका फेस आपस में मिलता है, यानी कि आमने सामने बैठे हैं बिल्कुल। तो भैया जी अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो चलो भाई यहाँ चलते हैं, और यहाँ भैया मुझे काफ़ी ड्राई फ्रूट देखने मिले, सभी वैरायटी देखने मिली। पता करते हैं क्या क्या भाव के हमें यहाँ पे ये आइटमें देखने को मिलती हैं। यहाँ हमें किशमिश मिल जाएगी, काजू बादाम काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। हमें अखरोट मिल जाते हैं, ठीक है? अखरोट ये रहे, और हमें ये बादाम, ये गोलागिरी मिल जाएंगी। तो मतलब भैया को लगाते हैं माइक ताकि भैया की आवाज़ हम तक साफ आ सके। तो भैया जी माइक लगा लेता हूँ ताकि आपकी आवाज़ हम तक साफ आ सके। तो भैया जी क्या नाम है आपका, शुभ नाम क्या रहेगा? लक्ष्मण नाम है। लक्ष्मण नाम है। तो भैया जी क्या क्या चीज़ बेचते हैं आप? ऑल ड्राई फ्रूट एंड मसाले, सभी मसाले, शादी ब्याह सब मसाले हमारे। ड्राई सारा ड्राई फ्रूट बेचते हैं, शादी का मसाला वसाला ही बेचते हैं सारा। तो फिलहाल तो अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। दिवाली के सीजन में ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स बेचे जाते हैं, ठीक है? तो आपके यहाँ बादाम कहाँ से शुरुआत होती है बादाम की? बादाम सर हमारे यहाँ है 700-800 रुपए शुरुआत होती है। 650 भी है, 650 वाला भी मिल जाएगा। 650 वाला कौन सा रहेगा देख सकते हैं? सर 650 रुपए की, थोड़ा आगे ले आए, ढाबे में डाल के लिया ना, थोड़ा 650 रुपए किलो। ये 650 है, ये 650। क्या नाम रहेगा इसका? ये सर इसमें होता है क्या, बड़ा छोटा मिला हुआ रहता है। अच्छा, बड़ा छोटा मिला रहता है, ज्यादा फेमस बादाम नहीं होता। और ये 700 वाला ठीक बादाम रहेगा। ये 650 बता रहे थे वो भैया, कह रहे मिला हुआ माल होता है। ये 700 होगा, ये 700 रुपए रहेगा। ये क्या नाम रहेगा इसका? ये अमेरिकन किसी कैलिफोर्निया कहा जाता है। एक हाँ कैलिफोर्निया, ये 700 रहेगा कैलिफोर्निया। इसके बाद जाते हैं ये वाला भैया, प्राइस बिल्कुल लास्ट बताना जिसमें। ये बादाम देखिए सर, ये बादाम जो है ना 750 रुपये किलो आएगा, बहुत बढ़िया बादाम होगा। नाम क्या रहेगा इसका? ये कैलिफोर्निया नंबर 1 हो गया सर, कैलिफोर्निया नंबर 1। पॉलिश वाला हुआ है, पॉलिश वाला चमकदार होता है ज्यादा। कितना बताया आपने? 750। 750 है सर, ये 700 रुपए किलो है, और 600 किलो भी हमारे पास। 600 शुरुआत है, 600, 750, 700 रुपए, ये तीन रेंज होगी आपके पास ना। इस तरफ काजू भी इसी तरह है हमारे पास। तो इसके ऊपर कोई बादाम आता है आपके पास? इसके ऊपर बादाम, इसके ऊपर सर फिर मामरा आता है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। अच्छा, तो आप चलते हैं हम काजू के ऊपर। काजू कहाँ शुरुआत होती है आपकी? ये काजू देखिए 600 रुपए किलो है, 600 रुपए किलो। ये काजू 600 रुपए किलो है, 600 से शुरुआत हो जाती है। इसमें ऑयल कंटेंट रहता है, 600 रुपए किलो है। नाम क्या भैया 600 वाले का? ये सर 400 नंबर काजू है, 320 नंबर काजू है। ये 320, ये 320 नंबर काजू है सर। ये वाला आ जाएगा आपको 800 रुपए किलो। अभी दिवाली में महंगा काजू चल रहा है, 800 रुपए किलो। और इससे अच्छी क्वालिटी, इससे अच्छे दिखा रहे, इससे अच्छी क्वालिटी का देखते हैं कि वो क्या प्राइस का हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ काजू भी काफी सारी रेंज आप देखते हैं ऊपर अभी। और ये देखो 700 रुपए किलो, ये देखिए सर, ये देखो, ये क्या क्या भाव पड़ेगा? ये सर 950 रुपए किलो आएगा, बिल्कुल 950 रुपए के हिसाब से हमें यहाँ पे इस तरह काजू देखने को। ये 240 नंबर काजू आएगा, ये 240 एक WZ 240 आता है, वो कौन सा है वो भी दिखा दे, वो भी देखते हैं, ठीक है? रुजा भाई डिस्टर्ब हमको मत करो, यहाँ देखते हैं। ये देखो, ये कौन सा बताया आपने? ये सर आप जो बोल रहे हो WZ 240, हाँ ये वाली, ये बिल्कुल व्हाइट रहता है ना? हाँ ये 1000 रुपए किलो है, ये 1000 रुपए किलो है, बिल्कुल व्हाइट होगा। और इससे ऊपर भी कोई खाने मीठा होता है? इससे ऊपर काजू यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, जब कम से कम 1000 रुपए किलो तक है, 1000 रुपए और बढ़िया काजू हो गया। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद हम चलते हैं किशमिश। किशमिश आपके पास 3-4 वैरायटी है ना? जी हाँ, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये 180 रुपए किलो, ये 80 रुपए किलो के, 180 सॉरी 180। ये सर है 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। ये 220 रुपए किलो, ये 220 रुपए किलो, ठीक है? तीन वैरायटी होगी। और हो गया आपको ये कागजी अखरोट मिल जाएगा हमारे यहाँ। हाँ। भैया जी ये कागजी अखरोट क्या भाव पड़ेगा लगभग? अरे 600 रुपए किलो है सर, व्हाइट निकलेगा बिल्कुल माल। वाह भाई वाह, इस तरह का माल निकलेगा। देखिए सर व्हाइट देखिए कितना होगा, बिल्कुल व्हाइट।
ऑयल बहुत होगा सर, तेल भरा हुआ होता है, मेरा हाथ भींज जाएगा तेल से। चलो बहुत बढ़िया, इस तरह का मिलेगा। क्या बताया आपने इसका भाव? ये 600 रुपए किलो मात्र, 600 रुपए किलो। ऑयल देखिए कितना है सर, ऑयल है। अच्छा ये अब जैसे दिवाली के बाद भैया दूध आता है, तो ये अखरोट क्या भाव पड़ेगा भैया? ये 200 रुपए किलो गोला है सर, इसमें बिना स्क्रेच वाला आएगा, 200 रुपए किलो आएगा। बिना स्क्रेच वाला 200 रुपए किलो आएगा। चाट के ले सकते हैं कोई? चाट के ले जाइए, बढ़िया बढ़िया गोला भैया दूध के लिए। अच्छा ये जो मखाना है, जो मखाना सर तेजी है, ये मखाना 800 वाला है, और इससे बढ़िया मखाना जो लोगे अभी 1200 रुपए किलो चल रहा है सर। 1200 रुपए किलो चल रहा है, बहुत बढ़िया। और इसका चलते हैं, ये अंजीर क्या रेट चल रहा है? ये अंजीर सर 800 रुपए किलो है, बढ़िया वाला। ये थोड़ा सा काला लोगे सर 700 रुपए किलो है। 700 रुपए थोड़ा काला लोगे तो 700 रुपए किलो है सर। और ये छुआरा भैया जी? आप सर प्लीज अंदर आइए, आप अंदर से अंदर देख लेते हैं। तो छुआरा क्या हिसाब से पड़ता है? छुआरा सर 120 रुपए किलो है, 160 रुपए किलो है। 120 रुपए किलो है सर, 120 रुपए किलो है। हाँ ये वाला छुआरा दिखाइए सर, ये छुआरा है 200 रुपए किलो है, आपको जो वीडियो देख के आते हैं उसको 180 लगेगा, 160 लगा देंगे। 180 लग जाएगा, कम लगेगा। ये छुआरा सर 200 से ऊपर का है, 200 रुपए किलो ऊपर का है, लेकिन जो वीडियो देख के आते हैं उसको 180 रुपए किलो लगेगा। और ये बड़ा वाला छुआरा? ये बड़ा छुआरा सर 350 रुपए किलो आएगा, गुल्ला छुआरा। गुल्ला छुआरा बोलते हैं, 350 रुपए किलो आएंगे सर। बहुत बढ़िया। और देखते हैं और क्या क्या भैया रखते हैं। ये मिक्स 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 सर 600 रुपए किलो है सर। ये डाइट वाला सिस्टम होगा ना? हाँ डाइट सिस्टम सारा है, 600 रुपए किलो है, 600 रुपए किलो के हिसाब। और आ जाइए अखरोट पर, अखरोट गिरी देखिए सर, अखरोट गिरी के हिसाब से पड़ेगा। अखरोट गिरी सर 700 रुपए किलो है, 700 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं आप। वाला अखरोट गिरी देख लो सर, व्हाइट आएगा बिल्कुल। कितनी कितनी एक तरह की अखरोट गिरी आपके पास? ये हमारे पास 1200-1000 रुपए किलो सब है सर। 1200-1000 रुपए। ये वाला कितना बताया आपने? 700 रुपए किलो, 700 रुपए। आने वाला जो वीडियो देखा है 700 लग जाएगा। ये वाला देखिए सर, ये 1000 रुपए किलो आएगा, ये 1000 रुपए किलो पड़ेगा। बिल्कुल व्हाइट साफ होगा, बिल्कुल व्हाइट। और इससे अच्छा क्वालिटी का जो आएगा? अच्छा क्वालिटी वो 1000 वाला है सर। अच्छा ये वाला जी देखिए, ये वाला 800 रुपए किलो आएगा, ये 800 रुपए किलो। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया माल देखिए, 800। चलो इस तरह के ये ड्राई फ्रूट्स भी रखते हैं भैया, और जिम डाइट भी सारा मसाला रखते हैं। अच्छा, जिम ये, की ये जो है, पिस्ता, पिस्ता क्या हिसाब से पड़ेगा? 1000 रुपए किलो ईरानी पिस्ता आएगा, जो वीडियो देख के 950 लगा। पीस देख सकते हैं हम, बहुत सारा पिस्ता है जो की 1000 रुपए किलो मिल जाएगा, 950 तक लगा देंगे जो आएगा वीडियो देख। 950 रुपए लग जाएगा जब आप आएंगे ना। ये देखो ये है ईरानी पिस्ता, ईरानी पिस्ता है, ये बहुत नमकीन पिस्ता होते हैं, इस तरह का रहने वाला है। इतना मोटा मोटा फल मिलेगा, बहुत बढ़िया। तो और मनक्का सर मिल जाएगा आपको मेरे पास, 250 रुपए किलो मनक्का मिल जाएगा, 250 रुपए किलो। और सभी मसाले शादी ब्याह के जितना भी मसाले हमारे पास सारे मिल जाएंगे, लौंग इलायची दालचीनी सब मिल जाएगा। लौंग क्या रेट पड़ेगी? लौंग 1200 रुपए किलो, और ये बड़ी बड़ा इलायची 2000 रुपए किलो। और ये काली मिर्च? काली मिर्च सर 750 रुपए किलो, अभी का रेट बता रहा हूँ, फिर घट भी जाएगा रेट, बढ़ भी जाएगा समय के अनुसार। जीरा? जीरा सर अभी है 320 रुपए किलो, बढ़िया जीरा, बढ़िया जीरा। तो भैया इस तरह की आइटम है, ठीक है, जो भैया की भैया सेल कर रहे हैं लक्ष्मण। हाँ लक्ष्मण, और ये जो बैठे हैं ये बिल्कुल ये चौक है, मिठाई पुल चौक और मिठाई पुल चौक महारानी अवंती बाई के पास, अवंतिका बाई के बिल्कुल चौक के सामने, जस्ट सामने। बहुत बढ़िया। तो भाई हमें यहाँ पर देखने मिले मकरोनी पास्ता और इस तरह के, भैया क्या बोलते हैं, खजरा, मिक्स पापड़ बोल दो, खजरा बोल दो, और इस तरह की बहुत सी आइटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैगी मिल जाएंगी, पता करते हैं ये क्या क्या भाव की मिलती है। मैगी मिल जाएंगी, और इसको क्या बोलते हैं माता जी, इसको सेवैया। तो सेवैया क्या रेट पड़ेगा भैया? 50 रुपए किलो, मात्र 50 रुपए किलो। हमें यहाँ मैगी मिल जाएगी, मैगी क्या भाव की पड़ेगी भैया? 60 रुपए किलो। ये 60 रुपए होगी भैया जी? ये 50 रुपए, ये 50 भैया, थोड़ा टूट तो गया तो इसलिए 50 रुपए है। ये 60 रुपए मसाले साथ में आएंगे, इसके मसाले साथ में आएंगे। और भैया जी ये पास्ता क्या रेट पड़ेगा? 60 रुपए। और ये मकरोनी? मकरोनी मिलेंगे 50 रुपए। और ये भैया जी ये 50 रुपए, ये सब भैया जी 50 रुपए किलो। भैया जी ये 100 रुपए किलो आ जाएंगे, ये सब 100 रुपए। जैसे पापड़ वापड़ ये सब तलने वाली चीजें, ये गोलगप्पे मिल जाएंगे भैया? गोलगप्पे भी मिल जाएंगे, गोलगप्पे 100 रुपए किलो भैया जी? 100 रुपए किलो गोलगप्पे, गोलगप्पे 100 रुपए किलो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आलू चिप्स भी मिल जाएंगे 100 रुपए किलो। तो भैया इस तरह की आइटम है जो ये मछली वाला 100 रुपए, ये भी ये तल के खाने वाली चीज़ है ना, तो तल के खाने वाली चीज़ है जो कि 100 रुपए की हमें यहाँ पे इस तरह की आइटमें मिल जाती हैं। तो भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा और भी दिखा रहे हैं क्या? ये चकरा क्या? ये वाला 60 रुपए किलो चकरी मिल जाएगा, चकरा मिल जाएगा 60 रुपए किलो। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें देख के। और भी दिखा, 60 रुपए किलो, ये भी 60 रुपए। तो बहुत बढ़िया भैया, इस तरह की भैया आइटम बेच रहे हैं। और ये जो भैया बैठे हैं ये बिल्कुल रोशन भाई की जो शॉप है, बिल्कुल से साथ में बैठे, 60 रुपए किलो, ये भी 60 रुपए किलो। बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद भैया जी, अच्छा लगा आपके सब आइटमें देख के, थैंक यू सो मच। साबुदाने वाले पापड़ भी मिल जाएंगे आपको, ये दिखाओ भरत वाला साबुदाने वाले पापड़। ठीक है ठीक है ठीक है, 20 रुपए पैकेट, 20 रुपए पैकेट मिल जाएगा।
तो ठीक है, थैंक यू भैया जी, अच्छा लगा मिलके। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपना प्यार सदैव वैसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।